अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे लाहौर में एक बहुत अच्छी सुबह है और आज हम एक साइट पर विज़िट कर रहे हैं जहां पर एक अनयूजुअल एक्टिविटी या फिर हमारे फील्ड के लोगों के लिए यूजुअल एक्टिविटी होने लगी है। तो आइए हम साइट के सीनियर इंजीनियर से पूछते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर फिर थोड़ा सा बताइए हमें, आज ये जो एक्टिविटी हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअली आज हम जो कैपिंग डील की कंप्लीट कर रहे हैं, ये बेसिकली हमने, आप जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये फाइल्स के आगे हमने इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम इसको क्रॉस करेंगे। तो हमने लेवल वन पे भी इसको क्रॉस किया ऑलरेडी, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि अगर आप ऊपर देख सकेंगे, और इसके अलावा ये लेवल टू के ऊपर हम इसको क्रॉस कर रहे हैं फाइल। ओके ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, अगर इसका कैपिमीम कहा तो कैपिमीम क्या होती है, हम क्यों लगा रहे हैं, दो ही क्यों हैं और इस साइड पे क्या ज़रूरत थी इसकी? ये एक्चुअली एज पर डिज़ाइन होता है, रिक्वायर्ड होती है, आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसका जो पर्पज़ है कैपिंग, जैसे कि वर्ड कैपिंग है, ये टॉप के ऊपर हम इसको क्रॉस करते हैं, इसका पर्पज़ जस्ट हमारी जो पाइल्स हैं, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये हमारी वर्टिकल पाइल्स हैं, सोल्जर पाइल्स भी इनको कहते हैं, कि बेसिकली इसके ऊपर इसको कैपिंग के तौर पर हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो पाइल्स हैं वो कोलैप्स ना हो, क्योंकि हम इंटरनली तो जो है ना वन साइडेड हमने इसकी एक्सकवेशन की हुई है, अब प्रेशर है बैक साइड से, तो इसको स्टेबल करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम इसकी बीम की कास्टिंग करते हैं। चलें, ये तो आपने बहुत में इंफॉर्मेटिव बात बताई। अच्छा, अब ये बताइए कि जिस तरह आपकी कंप्लीट है, ये हम इधर मैनुअली इसको कास्ट कर रहे हैं या फिर ये इंच आ रही है, इसका क्या आपको फिक्र होता है? नहीं नहीं, इसकी जो कंक्रीटिंग है वो हमारी डिज़ाइन मिक्स्ड है, तो ये हम जो है हमारे जो कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स होते हैं ये हम वहाँ से मंगवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर पंप लगा हुआ है, तो ये हमारी जो है ना थोड़ी देर में कंक्रीट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, तो ये हम डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट इसमें ना हम यूज़ करते हैं। चलें फर्स्ट आगे हम देखते हैं कि आगे क्या क्या चलिए। जी जी अच्छा सर, फर्स्ट इसके बारे में बताइएगा कि जितना अब हमारा कुछ बीम ऑलरेडी पहले से कास्ट हुआ हुआ है, तो जब हम नया बीम कास्ट करेंगे तो इनके दरमियान तो एक जॉइंट आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट बिकने से, तो इसका हम कैसे इसकी रेमेडी करते हैं? ये एक्चुअली हमारी, जैसे कि आपको पता है, जो ओल्ड कंक्रीट होती है और नई कंक्रीट के दरमियान जो हमारा जो इसका जॉइंट बनता है वो हमारा इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसके लिए जो हमारा एक ट्रीटमेंट होता है हम इस पर्पज़ के लिए SBR यूज़ करते हैं। SBR ठीक है, ये केमिकल होता है, वो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, अल्ट्रा सीचा जो मार्केट में चल रहे हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं SBR को, ताकि हमारी जो कंक्रीट है वो उससे सही स्ट्राइक कर सके। ओके, ये स्ट्रेंथ के लिए जो है ना वो ज़रूरी होता है, ये रिकमेंडेड भी होता है, इसलिए हम उसको जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो इससे कुछ होती है कितने परसेंट स्ट्रेंथ फिर भी डिक्रीज़ होती है, नहीं होती, कोई इसका ताल्लुक होता है उस चीज़ से, या फिर ये एज़ पर डिज़ाइन हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन पर आते हैं कि हमने इतनी यूज़ कर लेनी है और उससे आगे फर्क नहीं पड़ेगा? ये एज़ पर साइट होती है कि हमें इसको कितना यूज़ करना है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपको एक पैच नज़र आ रहा है जी, तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो बीम है ये 3x3 का है जी, तो हम इसको ये देखेंगे कि ये जो हमारा ओपन पैच है इसको हमने मुकम्मल SBR के साथ जो है ना इसके अंदर SBR की क्वांटिटी हम लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा सीमेंट ऐड करते हैं, थोड़ा सा सैंड ऐड करते हैं जी, एक सीमेंट स्लरी टाइप बना के, तो हम इसके ऊपर जो है ना इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, ताकि जो है ना वो एक उसको स्ट्रेंथ नए कंक्रीट को पुराने कंक्रीट के साथ उसको स्ट्रेंथ मिले। हम पूरे फेस को कवर करते जी, बिल्कुल फेस को हम कवर करते हैं, जो हमारा ज्वाइंट ओल्ड होता है नए ज्वाइंट से पहले हम उसको टोटली स्लरी के साथ हम उसको जो है ना उसके ऊपर स्लरी के साथ पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इसके अंदर एक मेरा थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन ये था कि जब हम इसको फर्दर एक्सकवेट करेंगे तो क्या चीज़ है, किस तरह ये बीम एक्चुअली पाइल्स के साथ जॉइन हुआ हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। ये एक्चुअली ऐसा है कि ये जैसा कि आप ऊपर वाला बीम देख रहे हैं, ये तो हमारी ऑलमोस्ट कैपिंग बीम है, ये तो पाइल्स के ऊपर हमारा स्टे कर रहा है जी। जो ये दूसरे वाला हमारा ये लेवल टू कैपिंग बीम है, ये बेसिकली हमारा कैंटीलीवर पोजीशन में जाता है। ओके, तो ये अगर आप देख सकें तो ये पाइल्स के साथ हमने एंकर्स किए हुए हैं, ये एंकर्स हम इसके अंदर ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग करने के बाद हम एंकर्स करते हैं, और ये एंकर्स का जो स्टील होता है इसको हम टाई करते हैं हमारे बीम के साथ, तो ये जो पोजीशन इसकी होती है कैंटिलीवर आप कह सकते हैं, तो ये जो है ना इस तरह इसको इसके साथ टाई हो जाता है और इसको सपोर्ट करता है। ओके ओके, इंटरेस्टिंग, कैंटिलीवर बेसिकली, कैंटिलीवर इसका कंसेप्ट जो है कैंटिलीवर है। अच्छा, एक मेरा जो इस वक्त कोर क्वेश्चन है वो ये है कि इसके अंदर बाकी सब तो एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो जो ट्रायंगुलर चीज़ें बाहर आई हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसका क्या पर्पज़ होगा? जैसे कि आप
ऊपर भी देख रहे हैं ट्राइंगलर हमने बनाया हुआ है, ये बेसिकली हम इनको कॉर्बल्स कहते हैं। कॉर्बल्स, ओके। ये कॉर्बल्स हम बनाते हैं स्ट्रट पाइप्स के लिए, इनके साथ हम स्ट्रट पाइप टाई करते हैं। दूसरी जो उसकी पैरेलल पोजीशन में हमने दूसरी कॉर्बल बनाई हुई होती है, ये कॉर्बल्स जो है इनके साथ स्ट्रट पाइप टाई होते हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, ताकि जो हमने फेस के ऊपर बीम कास्ट किए हैं, एक बीम को दूसरे बीम के साथ होल्ड करने के लिए, ये इसलिए हम इन स्ट्रट पाइप का यूज़ करते हैं और स्ट्रट पाइप के लिए हम कॉर्बल रहना बनाते हैं। तो बेसिकली हम स्ट्रट पाइप्स लेटरल ब्रेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और उनकी ये कनेक्टिंग प्लेसेस है। बिल्कुल ऐसे ये कनेक्टिंग के लिए। ओके ओके, चलें जहाँ पर होता है हमारा सफ़र ख़त्म, चलें मिलते हैं फिर।